हाँ जी, मेरे साथ हैं डॉक्टर अंकित शर्मा, FMG। इस साल का 191 स्कोर लाए हैं, मजा आ गया बच्चे, बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। इट्स ऑल बिकॉज कैसा, ऑफ यू एंड बिकॉज ऑफ डैम सर। आई सर, कैसी फीलिंग आ रही है पहले ये बता। एक अलग ही फीलिंग आ रही है, अच्छा लग रहा है, यूफोरिया आ रहा है सर। जो बोलते थे ना एड्रेनलिन रश, आप बोलते हो कि यस यू कैन सर, वो वाला यूफोरिया, वो फीलिंग आ रही है जो विनर्स की फीलिंग होती है, वो अभी फील हो रहा है पहली बार मुझे। अब लग रहा है कि सामने अगर कोई पहाड़ भी आया तो तोड़ दूंगा, अब कुछ नहीं रोक सकता मुझे। अब लग रहा है सर। बहुत बढ़िया। तो बच्चे मुझे एक बात बता कि जैसे अब ये रिजल्ट देखा और उसके बाद परिवार में कैसा रिएक्शन रहा सबका? परिवार में सर सब बहुत ज़्यादा खुश है, मम्मी पापा बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हैप्पी है, मतलब कुछ कह नहीं सकते सर। सब कुछ सबको फ़ोन कर करके बोल रहे हैं कि हम पास हो गया, वो लड़का पास हो गया ये सर। अभी कहाँ पे है? घर घर कहाँ पे पे ही हूँ, अभी? दिल्ली, दिल्ली में घर सर। दिल्ली, दिल्ली में। बहुत बढ़िया। तो मुझे ऐसा लगता है बच्चे, आने वाले कुछ दिन में हम एक मिलने का भी प्लान बनाते हैं, एक सेलिब्रेशन करते हैं मिलके, है ना? जी सर, पक्का पक्का डन है ना? पक्का, डन चलो सर, पक्का। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब एक थैंक यू। ना, अब हम थोड़ा फ्यूचर के एस्पिरेंट्स के लिए बात करते हैं, थोड़ा उनको थोड़ा गाइड करना चाहोगे? जो बच्चे आज FMG के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको कुछ गाइडेंस देना चाहोगे? सर मैं यही बोलना चाहूंगा सर, थोड़ा एग्जाम क्लिनिकल हो गया है, मतलब पहले जैसा आता था वन लाइनर्स वैसे नहीं है, थोड़ा क्लिनिकल हो गया है। तो कॉन्सेप्ट पहले से ही बिल्ड करना सही रहेगा मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि सर मैंने डेम्स थर्ड ईयर से ही ज्वाइन कर लिया था। पहले मैंने ऑनलाइन किया, फिर मैं यूक्रेन में था तो वॉर हो गई थी, 4-5 मंथ में वॉर में आया, तो मैं ऑफलाइन यहाँ पे ज्वाइन हो गया था, मैं रुका नहीं। फाउंडेशन कोर्स मैंने ऑफलाइन, तो मेरे कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गए थे वहीं, डेम्स ने उतने बिल्ड करा दिए थे मेरे कॉन्सेप्ट। फिर उसके बाद तो फिर वो सब पढ़ना होता है सर मेरे अकॉर्डिंग। अभी कॉन्सेप्ट बिल्ड करना पे ध्यान देना चाहिए पहले, कि कॉन्सेप्ट क्या है कैसा, क्योंकि वैसा एग्जाम नहीं है कि आप कुछ भी पढ़ के या याद करके ऑनलाइन चले जाएं। और क्या आपको ऐसा लगता है कि अब जो पैटर्न को देखते हुए, अगर जो बच्चे बाहर हैं, अगर अभी से ही थर्ड ईयर से ऑनलाइन पढ़ना शुरू कर दें और इंतजार ना करें कि एंड में ऑफलाइन आके करेंगे, तो और अच्छा कर सकते हैं? यस सर, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। और जो लाइक पहले मैंने तो नीट पीजी का ही ज्वाइन किया था डैम्स, तो नीट पीजी से कोई फ़र्क नहीं है, नीट पीजी FMG, तो आप नीट पीजी का ही ज्वाइन कर लो, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो सेम ही है, सब कुछ सेम ही है, तो वही वहीं से पढ़ना स्टार्ट कर दो तो अच्छा रहता है सर। फिर यहाँ पे आके इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, मेरे को आने के बाद इतना दिक्कत नहीं हुआ, मैं सब समझ आ रहा था मेरे को, और तो वही रहता है सर। डैम्स तो सर बेस्ट है ही, तो उसमें और सर खास तौर पे अब हम सोचें आने वाले टाइम वाले बच्चों के लिए, जब नेक्स्ट आएगा तो उसी लेवल का पढ़ना ही पड़ेगा उन्हें। यस सर पढ़ना ही पड़ेगा मेरे अकॉर्डिंग, तो यही करना चाहिए सबको, कि अभी से ही, अगर कोई थर्ड ईयर में है, सेकंड ईयर में है, अभी से ज्वाइन कर लो, थोड़ा थोड़ा एक एक सब्जेक्ट खत्म करते रहो। जैसे कि मैंने सर्जरी, ऑब्स गाइनी, ये सब पहले ही खत्म कर लिए थे वहीं पे ही, तो उससे उससे एक वो रहता है कि हाँ मेरे इतने सब्जेक्ट्स तो हैं हाथ में, अब थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, तो वही है, रिपीट करते रहो, रिवाइज करते रहो, उससे हो जाता है सर। और कोई ऐसे टीचर जो आज याद आ रहे हैं जो लगता है सर कि एक हाँ तो यार सर ये मेरे सामने बैठे हैं सर, आप सर, आपकी सर बातें बिल्कुल याद आती थी, कि मैंने आपसे पूछा था सर, आपने बोला था कि सर मेरा हो जाएगा, आपने बोला था कि तेरे तो हो जाएगा, तेरा 200 के लगभग आएंगे, मैंने बोला तो सर वही, मैं जब भी ऐसा सोचता था तो सर, या तो मैं सर आपके वो पॉडकास्ट देख लेता था, तीप्ति मैम के वो पॉडकास्ट, लास्ट में जो आपने वो 10 मिनट्स वीडियोज देते थे वो देखता था मैं, तो उससे कीप गोइंग रहा कि हाँ, बीच बीच में फील होता है सर कि नहीं क्या होगा पता नहीं, ऐसा डाउन लगता है, GT में कम मार्क्स आते हैं तो भी थोड़ा ऐसा लगता है, बट हो गया सर हो फिर। जाता है, हाँ जी आखिर सर, में हो जाता है ना? तो मुझे ऐसा लगता है कि ना, एक मैं आपके माध्यम से ना चाहता हूँ कि आप और बच्चों को बताएं कि बीच में जो अप्स एंड डाउन्स आते हैं उसे कैसे मैनेज किया। सर मैं तो जब डाउन आता है, या एक तो सर कोई भी पॉजिटिव चीजें देखने लग जाओ, तो मेरे मतलब नेगेटिव सबसे दूर हटके, मेरा पॉजिटिव यही था कि मैं वही जो मैं बोल रहा था, पॉडकास्ट देख लेता था आपके, कि यस यू कैन, मेरे पास बुक भी है वो पढ़ लेता था मैं थोड़ा, फिर फैमिली से बात कर लो, मैं मम्मी से बात कर लेता था, मम्मी पढ़ाई की बात ना छोड़ के और सब बातें करती थी, तो वो दिमाग से निकल जाता है कि कुछ हुआ है, तो वही सब चलता रहता है सर, उससे फिर वो फेस थोड़ा चला जाता है, उसके बाद फिर दोबारा आ जाते हैं अपने आप। और सर आपने बोला था कि जर्नी आपकी ऐसी रहेगी, कभी भी ऐसे नहीं जाती है, तो जी अप्स एंड डाउन्स, तो फिर ऐसा फील होता था, मैं समझता इट्स ओके कि सर ने बोला है ना, अभी थोड़ा डाउन है, अभी फिर अपन अप जाएंगे अभी, तो फिर ठीक हो जाता था सर। मजा आ गया बच्चे बात करके। एक बार मम्मी पापा को भी मेरी तरफ से कंग्रेचुलेशंस कर लें।
मम्मी मम्मी से बात करोगे आप सर? हाँ हाँ यहीं जरूर पे करेंगे, जरूर बात मम्मी, करेंगे। मम्मी लो बात कर लो सर। हेलो, नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार, और बधाइयाँ हो, बहुत बहुत जी मुबारक, आपको भी बहुत 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 बधाइयाँ। बधाइयां हो। आपने अच्छा पढ़ाया तभी तो पास हुआ, ये नहीं, आपकी कृपा आपने है। बचपन से आपकी मेहनत है। मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स की मेहनत के बिना कोई भी बच्चा आगे बढ़ ही नहीं पाता, पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स के बिना। तो बहुत आपका हम आभार हैं कि आपने इतना बढ़िया होनहार बच्चा पैदा किया, और बच्चा है भी बहुत लायक। हाँ जी, वो तो भगवान की कृपा है, बड़ों बड़ों का आशीर्वाद है, बड़ों का। ठीक है, बस अब मैं धन्यवाद। आपको बस एक ही काम दे रहा हूं, मैं आपको हाँ जी, अब ना, हम इसको बुलाएंगे एक दिन पार्टी में, तो आपने भी आना है और मिठाई भी लेके आनी है। ठीक है जी, मिठाई जरूर लेके आएंगे। ठीक बिल्कुल, है मुबारक हो। और मैं सर, आपको एक थैंक यू सर। पीजी एक बार में भी पापा लाने जी से चाहिए भी मुझे सर। बेटा आगे। हाँ बुलाओ बुलाओ बिल्कुल बुलाओ। सर, बिल्कुल। पापा जी से भी सर एक बार बात कर लो। नमस्कार जी, नमस्कार जी, मुबारक हो, आपको जी बहुत बहुत मुबारक हो। बच्चे ने बहुत बढ़िया नंबर लाया है। बस जी, आपके आपके सहयोग से हुआ है जी। आपने जो किया बढ़िया किया जी। नहीं जी, आपने इसको ऐसा गाइडेंस किया जो कि ये यहाँ तक पहुंचा। मुझे लगता है आगे भी बढ़िया करेगा और आपका नाम और रोशन करेगा। ये बढ़िया जी, लड़का अच्छी बहुत बात होनहार है। है। बस आपका आशीर्वाद सही है सर जी। आपने खूब शिक्षा आप अच्छी ही दे दी। शिक्षा देते रहना बाद में भी इसको। हम तो कुछ पता ही हमें नहीं तो कुछ है। नहीं पता जी, हम तो खाली मेहनत करने वाले आदमी है सर। मेरी मेरी तरफ से और सभी टीचर की तरफ से पूरे परिवार को बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच सर। सर सर। मैं मेरे अपनी मित्र, फैमिली का सर पहला डॉक्टर बनूंगा सर। कोई भी सर डॉक्टर नहीं है अभी तक। मजा आ गया इस बात पे ना। मैं एक लाइन को बोलूंगा, कंप्लीट करना है बेटा, है ना? ठीक है, अपना टाइम अपुन खुद लेके आएगा, नहीं, अपन ले आया, अपुन आज तू लेके आ ले गया आएंगे। बच्चे। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, है ना? गॉड ब्लेस यू, कीप रॉकिंग, थैंक यू है सर, ना? थैंक यू सो और मच सर। थोड़े दिन में मिलते हैं बेटा, है ना? मिलने के प्लान बनाते हैं, है ना? थोड़े दिन में बेटा मिलने का प्लान बनाते हैं, ठीक है ना? बेस्ट ऑफ लक बेटा।